दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत लेटेस्ट एंड हाईटेक गैजेट्स की दुनिया पावर गैजेट्स में। अब जैसा कि नया साल आ चुका है हमारे बीच में और सभी न्यू ईयर में बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी कर चुके होंगे, ऐसे में नए साल पर नए नए गैजेट भी लॉन्च हुए हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस है हमारी लाइफ को पहले से भी ज्यादा बेटर बना देना। तो तैयार हो जाइए गाइस एक ऐसे क्रिएटिव गैजेट से मिलने के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए ऑल पर और फिर आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होकर और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गैस आज की शुरुआत होगी 3 Dawdler Pro Plus से। गैस आप सभी ने देखा होगा या अधिकतर ये चीज को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे माइंड में कुछ भी ड्रॉ करने का आइडियाज आया उसे हम पेपर में जल्दी से ड्रॉ करने लगते हैं। पर 3 Dawdler Pro Plus से काफी एडवांस और 3D प्रिंटर है जिसे आप अपने आइडियाज को इंस्टेंटली 3D में ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी एक मॉडल की तरह। वैसे भी क्रिएटिव बहुत सी अलग अलग फील्ड में देखने को मिलते हैं, पर अगर हमको कोई भी बाइक को डिजाइन करने का आइडिया आया पर उसे पेपर में 2D में करने में वो मजा नहीं आता है जो कि ये 3D मॉडल को डिजाइन करने में आएगा। साथ ही ये 3D पेन भी परफेक्ट है इस काम के लिए। ये पेन भी स्लिम शेप जैसा होता है जिसे एक डिजिटल डिस्प्ले भी मौजूद होती है जिसे आप इसके डिफरेंट एंड डिफिकल्ट ऑप्शन को भी इससे नेविगेट कर सकते हैं और साथ ही इससे बनने वाले मॉडल और डिजाइन को किए हुए मॉडल को भी काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो ओवरऑल गाइस इस 3D पेंटिंग से आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को भी 3D फॉर्म में भी बना सकते हैं। स्नैकर बाय वोलुक्स। अब गाइस हम बात करें इस स्नैकर के बारे में, स्टाइलिश और पार्टी वगैरह के लिए बेस्ट चॉइस है। अगर आपके स्नैकर काफी ज्यादा यूनिक और नेक्स्ट लेवल है तो उन्हें किसी भी आउटफिट के साथ पहना जा सकता है जिससे उनके एक अलग ही लुक आ जाएगा। पर ये स्नैकर इसके बैक साइड में एक LED लाइट भी मौजूद होती है और इसकी खास बात यह है कि ये एक फ्लेक्सिबल स्क्रीन है जिसे आप इसे पहनकर रन करेंगे या फिर चलेंगे तो इसके मुड़ने पर भी इसकी स्क्रीन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस LED स्क्रीन पर जो भी चाहे वो भी टच स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करा सकते हैं जिसे आप इसके ऐप से इमेजिनेशन और कस्टमाइजेशन को भी इसे किया जा सकता है। साथ ही इसकी खास बात यह है कि इसके आसपास के म्यूजिक वगैरह पे भी इंटरेक्ट कर देता है, वहीं ये स्टाइलिश एंड नाइट में भी एक ऑसम सा एनवायरनमेंट तैयार कर देता है। Jelly 2। गाइस अब काफी लार्ज साइज वाले फोन्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं पर कभी कभी हमें सबसे हटकर कुछ अलग करना चाहिए। अब आपके लिए कुछ अलग है वो है Jelly 2। Jelly 2 एक छोटा सा आने वाला 4G स्मार्टफोन है। खास तौर से आपको पहले ही मैं बता दूं कि इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है कार्ड के बराबर। साथ ही ये ऑपरेट करता है Android 10 पर। वहीं ये छोटा होने के चलते इसके फीचर भी काफी ज्यादा एडवांस है। वहीं अगर हम बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें 2000mAh की बैटरी इनबिल्ट होती है। अगर हम बात करें इसके कैमरे की तो इसमें 8 and 16 MP का कैमरा भी मिल जाता है। पर इसका और भी बेसिक फीचर है जिससे आपको कहीं भी ट्रेवल वगैरह पर जाना है या फिर आपको बड़े फोन को अपने घर में ही रखना है तो आप इसे इजीली पॉकेट में रखकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। वहीं अगर आप इसे किड्स वगैरह को गिफ्ट करना चाहते हैं तो किड्स के लिए भी काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। साथ ही अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह की फीलिंग आएगी। जब भी आप स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन मिलती है पर अगर आप Jelly 2 को यूज करेंगे तो आपको एक नया पंसा लगेगा। इसे यूज करने में काफी ज्यादा मजा भी आता है क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा होता है जिसे हाथ में भी पहनने में और काफी ज्यादा टाइट होने में काफी ज्यादा बेटर लगता है। तो ओवरऑल गाइस ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो टीनी साइज में भी आपको स्मार्टफोन जैसे फीचर भी प्रोवाइड कर देता है। पैरट बीबॉक 2। गाइस अब आप मिलिए खास तरह के ड्रोन से जिसमें भी एक 3 तरह की खास क्वालिटी है जिनका भी एक कॉम्बिनेशन है जो कि एरोडायनामिक स्टाइल एंड ड्यूरेबिलिटी। इन 3 तरह की क्वालिटी के साथ ही साथ काफी ज्यादा लाइटवेट और काफी कॉम्पैक्ट है। पर पैरट बीबॉक 2 एस्टूल में एक यूनिक डिजाइन और एडवांस फीचर के चलते इसकी खास फीचर है फ्लाइट के दौरान इसकी स्मूथनेस का। पर इसे उड़ाने के लिए स्मूथनेस तो फील होती है साथ ही साथ इसको देखने में भी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है। जिस तरीके से ये स्मूथली हवा में उड़ता है और टर्न्स वगैरह लेता है इसे इजिली इंडोर या फिर आउटडोर के लिए परफेक्ट है। इवन ट्रेवलिंग के दौरान इसे कहीं भी लेकर जाने के लिए परफेक्ट ड्रोन है। वैसे भी ड्रोन्स के केस में ऐसा होता है कि फ्लाइट के दौरान काफी ज्यादा ऊंचाई होने के बाद भी ये दिखना बंद हो जाते हैं। पर पैरट बीबॉक 2 में इसके पीछे की तरफ में एक रेड लाइट भी मौजूद होती है जो कि एक इन फ्लाइट विजिबिलिटी को भी श्योर कर देती है जिससे आप इसे बड़ी आसानी से नाइट में भी इसे उड़ा सकते हैं। और साथ ही ये ड्रोन भी हाई एल्टीट्यूड तेज हवा के अगेंस्ट में भी स्टेबिलिटी को भी काफी अच्छे से मेंटेन रख सकता है। तो ओवरऑल गाइस अगर बात करें एक ऐसे ड्रोन की जो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होने के साथ ही साथ काफी सारे फीचर भी प्रोवाइड करे तो पैरट बीबॉक 2 भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
मैन2रेक्स। अब अगर हम बात करें एक पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की, जिसमें काफी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बेटर भी है। वैसे भी मैं आपको काफी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला चुका हूँ, पर मैन2रेक्स उनमें काफी ज्यादा आगे है। ये एक यूनिक डिजाइन और अल्ट्रा ड्यूरेबल होने के चलते, ये काफी ज्यादा लाइट वेट होने के चलते ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। साथ ही एक खास तरह का ई स्कूटर है, जिसे लाइक फोल्ड करके इसे काफी ज्यादा रिड्यूस भी किया जाता है। देन आप इसे इंस्टेंटली कैरी भी कर सकते हैं, जिसे आप बस एंड ट्रेन वगैरह में भी इजीली इसे कैरी भी कर सकते हैं। अब गाइस इसकी व्हील्स एंड साइज को देखते हुए ये काफी ज्यादा अच्छी स्पीड भी अचीव कर देता है। हालांकि इसे इतना तो नहीं कहा जा सकता है, पर इसे जितनी भी स्पीड मिलती है, जो हमारी डेली की लाइफ में कम्यूट करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है, और जो इसकी स्पीड है वो भी इसकी एक छोटी सी स्क्रीन में। ये एक सिंपल सी स्कूटर है, जो काफी ज्यादा भारी न होने के साथ ही आपको गिरने का भी डर नहीं रहता है। तो ओवरऑल गाइस अर्बन कम्युनिटी पर्पस को मेन फुलफिल कर देता है ये गैजेट। इंस्टा फ्लॉस। फ्लॉसिंग बेहद जरूरी होती है आपके टीथ को टाइम टू टाइम हाइजीन और मेंटेन करने के लिए, बट इसे इजी एंड मेंटेन बना देता है इंस्टा फ्लॉस। ये मल्टी जेट वाटर फ्लॉसर है, जो फ्लॉसिंग के एक्सपीरियंस को इफेक्टिव बनाने के साथ ही साथ कंफर्टेबल भी रखता है, क्योंकि हम जानते हैं फ्लॉसिंग के लिए स्टीम को लेना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल और पेनफुल हो सकता है, और कुछ ऐसा ही बहुत से लोग अपने साथ करते हैं। पर अगर हम बात करें इस गैजेट की, तो इसमें इसके जेट को केयरफुली पोजिशन से सेट किया गया है, जो 360 डिग्री में ऑटोमेटिक क्लीन कर देता है वो भी टीथ को। ये टूथ के बैक साइड और इसके जितनी भी गंदगी होती है उसको पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। साथ ही ये प्रोसेस भी दूसरे फ्लॉसिंग मेथड के कंपैरिजन में ये मेथड भी काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा बेटर भी होता है। तो ओवरऑल गाइस इंस्टा फ्लॉस एक ऐसा गैजेट है जो सिंगल स्पॉट को भी सिंगल नहीं छोड़ता है। एवरलाइट प्रो हेयर स्टेयर। गाइस आजकल के टाइम में स्टाइलिश बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, साथ ही इस जमाने में सभी को बियर्ड रखना भी काफी ज्यादा पसंद होती है, चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी, ये तो रखने वाले पर डिसाइड होता है। वही अगर हम बात करें इस गैजेट की, तो ये गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये एक ऐसा गैजेट है जो आपके कर्ली हेयर को भी स्ट्रेट करने के लिए परफेक्ट होता है, पर साइज में हेयर छोटे होने के चलते हेयर को स्ट्रेट नहीं कर पाते। पर आप इस गैजेट से इमरजेंसी पर्पज से भी इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होने के चलते इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस बियर्ड को सेट करने के लिए गैजेट एक परफेक्ट गैजेट हो जाता है। आजू। अब बात कर ली जाए मसल पेन की, चाहे बात हो रही हो जिम वगैरह या फिर रनिंग वगैरह करने के बाद की। रोजाना हमें जाना होता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी के चलते मार्केट में आ चुके हैं फिजियोथेरेपिस्ट। ये एक ऐसा छोटा सा गैजेट है जो इसका एक हीलिंग मेथड है, वो भी काफी ज्यादा यूनिक है। साथ ही इस गैजेट को आप अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसमें और भी कमाल के फीचर है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन से भी जान सकेंगे। वही गाइस ये साइज में भी इतना कॉम्पैक्ट होता है, जिसे आप पॉकेट वगैरह में भी इजिली कैरी कर सकते हैं। चाहे बात हो रही हो जिम या फिर ऑफिस की, आप इसे अपने पास भी रख सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस ये आपके रेडीमेड और पेन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट गैजेट हो जाता है। अब गाइस आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को। तब तक गाइस मिलते हैं आपको और भी नए गैजेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।